हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन की। पाइथन में आज क्या बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आप एक पुश नाम से फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। और उसकी मदद से जब भी कॉल करेंगे उस फंक्शन को तो वैल्यूज जो है अपेंड होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से एक न्यू पेज ले लेता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से बना पाएंगे हम। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एम्प्टी स्टैक बनाते हैं। तो यहाँ पर STACK के स्टैक नाम से ही एक एम्प्टी स्टैक बना लेता हूँ। तो ये एम्प्टी स्टैक है और ये स्टैक नाम से होगा STACK स्टैक, ठीक है। और एंटर करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बनाने के लिए तो हम लोग डेफ लिखते ही लिखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है डेफ। और यहाँ पे चूंकि पुश नाम से फंक्शन बन रहा है तो यहाँ पे पुश कर दिया। और यहाँ पे आइटम को पुश कराएंगे तो यहाँ पैरामीटर में हम आइटम ही रख देते हैं, तो ये लिख दिया आइटम, ठीक है। कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आइटम ही रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके वैल्यूज को अपेंड करवाना है। तो अपेंड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, किसके अंदर अपेंड करवाएंगे, स्टैक के अंदर। तो ये लिखा स्टैक डॉट अपेंड। अपेंड से क्या होता है, वैल्यूज एक एक करके इंसर्ट होती चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक एक करके वैल्यूज इसमें इंसर्ट होती जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर क्या इंसर्ट करवाएंगे, तो हम आइटम को ही तो इंसर्ट करवाने वाले हैं, तो यहाँ पे आइटम लिख देंगे। ये आइटम लिख दिया। आइटम लिखने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे और जैसे ही नीचे आते हैं तो अब हमें यहाँ पर पुश फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पुश का यूज करना है, PUSH पुश लिखा हमने। और इसमें क्या हम पुश करवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पुश करवाना चाहता हूँ पाइथन, ठीक है। तो ये हमने पाइथन दे दिया यहाँ पर और डबल कॉमा को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज किया, तो ये पहली वैल्यू तो इसमें अपेंड हो गई, ठीक है। यहाँ पे पुश ही रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, यू छूट गया है तो यहाँ पे यू कर लीजिएगा क्योंकि फंक्शन हमारा पुश नाम से ही बना हुआ है, तो उसी को हम यहाँ पे लेके आएंगे। फिर यहाँ पे लिखा पुश, दूसरी बार में क्या हम इसमें लेके आना चाहते हैं, तो हम लेके आना चाहते हैं कॉटलिन, ठीक है। ये कॉटलिन हो गया, बंद किया, एंटर किया। फिर पुश करेंगे तीसरी बार में क्या लेके आना चाहते हैं, जावा, JAVA। और चौथी बार में क्या लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पे लेके आना चाहते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डॉट कॉमा में सी कर देते हैं, ये हो गया सी। तो इस तरीके से ये हो गया, इतनी ही वैल्यूज हमें पुश करवानी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं, ठीक है। प्रिंट करवाते हैं पहले, प्रिंट स्टैक और यहाँ पे कर देते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्टैक के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंटर करते हैं। अब यहाँ पर चूंकि सारी चीजें जाके आइटम में ही स्टोर हुई है, तो फॉर आइटम इन, अब हम उल्टी जैसे यहाँ पर लास्ट में सी आया है तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है रिवर्स्ड, REVERSED, रिवर्स्ड का इस्तेमाल करके, और हम उल्टी ऑर्डर में स्टैक को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया स्टैक और बस काम हो गया ही है। तो बस यहाँ पर कॉलन लगा करके एंटर कर दीजिए और यहाँ पे आइटम को प्रिंट करा दीजिए। तो ये लिखिए प्रिंट और ब्रैकेट में लिखिए आइटम, बस काम हो गया। अब इसको चलाने की बारी है, F5 करके इसको चला लेते हैं। पहले तो सेव करेंगे, मैं इसे स्टैक के ही नाम से सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर .py लगा देते हैं और इसको चलाते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि स्टैक के अंदर क्या क्या चीजें जो है प्रिंट होती हुई नजर आ रही हैं। सी उल्टी दिशा से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये नहीं चाहते कि रिवर्स प्रिंट हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये रिवर्स्ड हटा सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स को हटा देंगे तो ये जैसे आपने दिया बिल्कुल वैसे ही प्रिंट होगा। तो स्टैक एलिमेंट्स आ रहा है और यहाँ पे पाइथन, कॉटलिन, जावा, सी प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर इसमें रिवर्स लगा देंगे तो क्या होगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं रिवर्स लगा देता हूँ, REVERSED, तो ये रिवर्स लगा दिया तो ये उल्टी दिशा से मतलब नीचे से प्रिंट करता आएगा। तो देखिए पहले आ रहा है सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया गया है लास्ट में सी दिया गया, तो जो लास्ट में है वो पहले आ रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे आपको पुश करवाना है वैल्यू, ठीक है। अगर पॉप करवाना होगा तो पॉप करवाएंगे तो एक एक करके निकलती जाएंगी वैल्यूज इसमें से।